फिर पकड़ लिया आपने। जब फिर पकड़ लिया, फिर मैंने समाजत की छोड़ दिया। तीसरे दिन जब दो आ गया, तीसरी मरतबा, तो उन्होंने कहा अब तो मैं नहीं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश करूंगा जाकर, तुम कौन हो और किस लिए आए हो और क्यों ऐसे बार बार आते हो। उसने बड़ी मेहनत समाजत की, हजरत अबू हुरैरा नहीं छोड़ा। तो फिर कहने लगा मैं आपको एक ऐसी चीज बताता हूं जिससे आपकी हिफाजत होगी, एक ऐसा जो मैं कलमा बताता हूं कि जिससे आपकी हिफाजत होगी, शैतान जो है ना से भी हिफाजत होगी और वैसे भी हिफाजत होगी आप। तो कहने लगे वो कौन सा कलमा है? तो उसने शैतान ने जो है वो आयत कुर्सी जो है हुजूर हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बताई। आपने छोड़ दिया और सुबह आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज तीसरा दिन है कि ये मेरे साथ ये मामला हो रहा है। हुजूर ने फरमाया कि ये शैतान था, है तो वो शैतान लेकिन उसने बात जो है वो सच्ची कही। जिस तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कि ये मुनाफिकीन आपके पास आकर कहते हैं कि नशहदु अन्नक रसूलुल्लाह, हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह जानता है कि आप अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन अल्लाह गवाही देता है कि मुनाफिकीन अपने इस जुमले में झूठे हैं। ये नहीं, दिल से नहीं कह रहे, ये सिर्फ आपको बावर कराने के लिए, आपको एतमाद में लेने के लिए कि जी हम जो ईमान वाले हैं। तो फरमाया कि उसने बात सही कही कि आयतुल कुर्सी जो है ये प्रोटेक्शन है और ये हिफाजत है और इसकी और भी बड़ी फजीलतें आई हैं, और वैसे भी हर दुआ के लिए फजाइल हैं कि अल्लाह ताला से जब दुआ की जाए तो वो दुआ कबूल होती है, लेकिन दुआ के भी आदाब हैं। सिर्फ अल्फाज के पढ़ लेने से दुआ कबूल नहीं होती, दुआ की कबूलियत के लिए भी जो है आदाब हैं कि आदमी कम से कम जो है कम से कम फराइज का पाबंद हो, हलालो हराम का ख्याल रखता हो। और ये सारी चीजें जिन चीजों से अल्लाह ताला ने मना फरमाया है उनसे रुकता हो। एक हदीस में आता है ना कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक आदमी बड़ा तवील सफर करके आया और जब वो आया तो उसके बाल गर्दो गुबार से अटे हुए थे और उसके कपड़े जो हैं वो भी गर्दो गुबार से भरे हुए, मेले कुचेले, थका मांदा हुआ हरम काबा में आके कहता है या रब ए मेरे परवरदिगार मेरी इल्तिजा सुन। हुजूर फरमाते हैं कि फअन्ना युस्तजाब, ये हुजूर फरमाते हैं कि इस आदमी का पहनावा जो है लिबास हराम का है और इसकी ग़िज़ा जो है वो हराम की है, फान ना युस्तजाब, अल्लाह ताला कैसे इसकी दुआ को कबूल करें कि काम तो उसने सारे वो किए हैं कि जिनसे अल्लाह ताला ने मना फरमाया है। रब ये आकर कहता है या रब ये थका हुआ भी है, तवील सफर करके भी आया है, हरम पाक में आया है, लेकिन न इसका माल हलाल का है, न इसके कपड़े हलाल के हैं, न इसकी ग़िज़ा हलाल की है ये, और अब ये दुआ कर रहा है तो कहाँ से अल्लाह ताला इसकी दुआ को कबूल फरमाएंगे। तो कबूलियत दुआ के लिए कुछ और आदाब भी हैं। इस तरह हुज़ूर ने फरमाया ना कि जब अल्लाह से दुआ करो तो यकीन के साथ दुआ करो। अल्लाह ताला जो है ला यक़बलु अन क़ल्बिन गाफ़िलिन लाहिन, अल्लाह ताला गाफिल दिल से जो है ना की दुआ को कबूल नहीं करता कि दिल में तो कुछ और है
और जबान से आप जो है अल्लाह से इल्तिजा किए जा रहे हैं, लेकिन दिल आपके उस इल्तिजा के साथ नहीं है, तो फरमाया कि फअन्ना युस्तजाब, तो फिर कैसे अल्लाह ताला ऐसी दुआ को कबूल फरमाए। और दूसरी बात यह कि अल्लाह ताला से जब मांगे आदमी तो पूरे यकीन के साथ मांगे कि मेरा काम अल्लाह करेंगे। जब यकीन के साथ मांगता है अल्लाह इंसान, तो फिर अल्लाह ताला उसे अता फरमाते हैं। एक और वाकया है, हजरत उबै इब्ने काब रजी अल्लाह ताला अन्हु के फरमाते हैं कि मेरे पास जो खजूरों का जखीरा था, ये जो बोरियों में बंद या जिस तरह भी, तो कहते हैं कि मैं देखता कि वो रोजाना वो खजूरें जो हैं वो कम होती चली जाती। तो मैंने कहा कि एक दिन मैं इसकी जो है ना निगरानी करता हूँ कि ये कौन है जो मेरी खजूरों को कम किए जा रहा है, ये रोजाना जो है ना मैं उसका। तो कहते हैं कि एक दिन मैंने निगरानी की तो मैं देखा कि एक जानवर आया और था वो इंसानी शक्ल में कुछ, लेकिन था जानवर। तो मैंने उससे पूछा कि तुम इंसान हो कि जिन हो, तो कहने लगा मैं जिन हूं। तो कहने लगे कि मैंने उससे कहा कि उसने मुझे जो है ना सलाम किया, मैंने उसको सलाम किया जी। फिर मैंने पूछा कि तुम इंसान हो कि, उसने कहा जी मैं जिन हूं। तो मैंने कहा तुम अपना हाथ जरा मुझे मेरे हाथ में दो। उसने मैं अपना हाथ जब मेरे हाथ में दिया तो उसके हाथ जो है वो जैसे कि कुत्ते के पाँव की तरह थे जी, और उसके अंदर बाल भी उसी तरह थे जिस तरह के कुत्ते के ऊपर जो है ना बाल होते हैं, बिल्कुल मुलायम से। तो मैंने कहा कि क्या जिन्नात की पैदाइश इस तरह होती है उनकी? तो कहने लगा कि मैं जिन्नात में सबसे ज़्यादा ताकतवर जिन हूँ। मैंने कहा कि भाई तुम फिर यहाँ क्या लेने आए हो? मैं एक गरीब आदमी का थोड़ा जो है उसमें से खजूरें निकाल के तुम ले जाते हो। मैंने कहा इसलिए कि आप सदका देना पसंद करते हैं, तो हमने कहा कि जो आदमी सदका देना पसंद करता है तो उसके माल से हम क्यों महरूम रहें, तो इसलिए मैं आता हूँ आपके माल लेने के लिए। ये तो बहरहाल ये भी यानी कि एक वाकया है। तो उस जिन ने भी हज़रत उबै इब्ने काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हिफाजत के लिए आयत कुर्सी जो है ना बताई जी, कि इन जो है ना शरारतों से, जिन्नात की शरारतों से आप महफूज किस तरह होंगे जी। आयत कुर्सी का फिर तो जनाब नबी करीम अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया, और इसके अलावा और भी बहुत सारी अहादीस हैं जी। एक हदीस इस तरह भी है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन आयतुल कुर्सी को ज़बान अता फरमाएंगे, होंठ होंगे इसके, इसका एक जिस्म होगा, और ये अल्लाह की हम्द जो है ना पढ़ते हुए ये अर्शे इलाही के साथ चिपकी हुई होगी, इसको एक वजूद अल्लाह ताला अता फरमाएंगे। और कुरान करीम में अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीज़ें बयान